नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे चैनल पे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आज है डे 10। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप बेस क्या होता है। दोस्तों, मेकअप जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हल्दी मेकअप, पार्टी मेकअप, इंगेजमेंट लुक या ब्राइडल लुक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बेस मेकअप। तो हर मेकअप में बेस हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। बेस करने का तरीका सिमिलर होता है। हम आई मेकअप चेंज कर देते हैं, ज्वेलरी और ड्रेस चेंज कर देते हैं, तो वो मेकअप भी चेंज हो जाता है। अगर कलरफुल आई मेकअप कर रहे हैं या फिर कलरफुल ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो हल्दी संगीत का मेकअप हो जाता है। वही ब्राइडल ज्वेलरी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, तो वो ब्राइडल मेकअप हो जाता है। आई मेकअप भी ब्राइडल थोड़ा करते हैं, ग्लिटरी आई मेकअप। तो हमें बेस मेकअप में आपको बताऊंगी अलग अलग तरीके से कि किस तरह से हम बेस मेकअप करते हैं। उसके बाद हम किस तरह आगे भी देखते जाएंगे वीडियोज में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेकअप कैसे करते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए है, किस तरह से हम अपना बेस बनाते हैं, किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट यूज करें कि हमारा मेकअप अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो अगर आप मेकअप का क्लास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं अपने बच्चों को भी, जो मेरे पार्लर में हैं, उन्हें भी बेस मेकअप बता रही थी कि किस तरह से बेस बनाते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए भी वीडियो बना रही थी। तो अगर बीच में थोड़ी बहुत कोई भी डिस्टरबेंस हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले सीटीएम करेंगे। सीटीएम के लिए मैंने वेट वाइप यूज किया है क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्लींजिंग मिल्क का यूज कर सकते हैं, और ड्राई है या नॉर्मल है तो आप वेट वाइप से क्लींजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से वेट वाइप निकाला और अच्छे से इस तरह से फेस को क्लीन करेंगे, जो भी डस्ट है उसे रिमूव कर देंगे। देखिए, मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया था, लेकिन पूरे फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। नेक के पार्ट को भी क्लीन करेंगे। तो अभी क्लींजिंग हो गई। अब इसके बाद फेस पे टोनर स्प्रे करेंगे, और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर से भी स्प्रे कर सकते हैं। ये गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग टोनर है। आप चाहें तो रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से जब भी हम कोई इस टाइप का लिक्विड चीज यूज करते हैं तो हमें यूज करने से पहले इस तरह से शेक जरूर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें स्प्रे करना है, इतना डिस्टेंस रखना है और फेस पे इस तरह से स्प्रे कर देना है, और इसे नेचुरली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। क्लिंजिंग और टोनिंग के बाद आती है मॉइस्चराइजिंग की बारी। तो उसके लिए मैंने ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर क्रीम लिया है। आप चाहें तो आप निव्या का या कोई भी दूसरा अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे और इस तरह से हाथों में एक्टिवेट करेंगे और बहुत ही अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे, और इसे भी लगा के हमें 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है। कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए गैप जरूर देंगे। नेक के पार्ट को भी कवर करेंगे। अभी गर्मियों का टाइम है तो इसलिए मैंने ये लाइट वेट जेल मॉइस्चराइजर लगाया है, क्योंकि क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो ग्रीसीनेस ज़्यादा हो जाएगा। तो एक हल्का सा बस हाइड्रेशन रहे, फेस पे ग्रीसीनेस ना रहे, उसके लिए मैंने ये लाइट बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया है, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए रहने देंगे। फिर उसके बाद आगे का स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। सीटीएम कर लिया और लिप्स पे भी लिप बाम लगा लेंगे ताकि लिप्स भी प्रिपेयर हो जाएं। तो
तो हम जब भी मेकअप करते हैं, चाहे ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी मेकअप हो या कोई भी मेकअप हो, हमें स्किन को प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। अपने स्किन के अकॉर्डिंग हमें सीरम करना चाहिए, चाहे गर्मियों का समय हो या फिर ठंडियों का समय हो, जब भी हम मेकअप करेंगे तो हम स्किन प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको हाफ फेस पे ब्रश से बताने वाली हूँ कि मेकअप बेस कैसे बनाते हैं, और हाफ पे ब्यूटी ब्लेंडर से बताऊँगी। हाफ फेस पे मैं आपको डर्मा के प्रोडक्ट से बताऊँगी कि क्रेलॉन के प्रोडक्ट से कैसे करते हैं, और हाफ फेस पे फॉरएवर 52 का हमारे पास, ये मेरे पास कंसीलर पैलेट है, तो इससे हम किस तरह से अपना पूरा बेस करेंगे मैं वो बताऊँगी, और ब्रश कैसे यूज़ करते हैं, और दूसरी एक तरफ क्रेलॉन। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कलर व्हील वाले क्लास में बताया हुआ है कि हमको कलर करेक्शन करना होता है, डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए हम ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है या आपको कलर व्हील का नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कम्प्लीट कलर व्हील का नॉलेज दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे अंडर आई पे डार्क सर्कल है, माउथ एरिया पे है, फोरहेड पे है, जो भी पिगमेंटेशन एरिया है वहाँ हमें ऑरेंज कलर, ये D30 है क्रेलॉन का, इस तरह से ये ऑरेंज शेड में आता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा ऑरेंज कलर करेक्शन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हाफ पे फेस पे मैं ये लगाऊंगी, तो इसको सबसे पहले आप थोड़ा सा निकाल लेंगे और हल्का सा ब्लेंड करेंगे एक साइड में, इस तरह से मिक्सिंग प्लेट में निकाल करके इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे और अप्लाई करेंगे, तो बहुत इजीली अप्लाई होता है अंडर आई पे। मैं हाफ पार्ट पे ही इसे यूज कर रही हूँ, हाफ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज करूंगी, और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर देंगे। तो इसके एजेस जो हैं बहुत ही हल्के हल्के से हमें ब्लेंड कर देना है। अभी आप देख रहे होंगे एक तरफ फेस पे ऑरेंज ऑरेंज हो गया होगा फेस, तो इसके ऊपर हम कंसीलर लगाएंगे जो कि मेरे स्किन टोन का एक टोन डार्क होगा कंसीलर, और दूसरी तरफ मैं ऑरेंज नहीं लगाऊंगी, मैं डार्क कंसीलर लगाऊंगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑरेंज कलर करेक्टर लगा करके भी डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं, या फिर डार्क कंसीलर यूज़ करके उससे भी हम अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक तरफ फेस ऑरेंज लग रहा है, और अभी एक तरफ मैंने ऑरेंज यूज़ नहीं किया है, और ये फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट है जिसमें से मैं यूज़ करूँगी डार्क कलर, जो कि मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्क होगा। आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से हम लेंगे और ये चेक करेंगे, तो ये देखिए ये 2 शेड डार्क है, तो इसे हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से थोड़ा सा कंसीलर पैलेट पे निकालेंगे और उसे ब्लेंड करेंगे, और इस साइड मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है, और ये PSC का ब्रश है, 219 नंबर, ये कंसीलर ब्रश है। तो अंडर आई के पास तरह पूरे फेस पे हल्का हल्का हम कंसीलिंग करते जाएंगे, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ब्रश से हमारा इस तरह से कंसीलिंग भी हो जाएगा बहुत ही अच्छे से।
प्लस से ये रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते हैं, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट में ही अच्छे से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड थोड़ा ऑरेंज लग रहा है और दूसरे साइड थोड़ा ब्राउन है, क्योंकि इधर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है, इधर डायरेक्ट ब्राउन शेड लगाया है। और हम तभी ब्राउन शेड लगा सकते हैं जब हमारा कंसीलर अच्छा कंसीलर हो, यानी फुल कवरेज कंसीलर हो। तो अभी देखिए फेस पे कंसीलिंग हो चुकी है, एक साइड में कलर करेक्शन किया है, इसके ऊपर अभी मुझे फिर से डार्क कंसीलर लगाना होगा, लेकिन इधर कोई नीड नहीं है, इधर हम डायरेक्ट अपने स्किन टोन का फाउंडेशन या कंसीलर लगाकर मेकअप कर सकते हैं। ये टीवी पैन स्टिक है FS45, इस तरह से मिक्सिंग प्लेट पे निकाला है और इसे थोड़ा ब्लेंड करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, हल्का सा ब्लेंड करेंगे। अभी हाफ साइड में कंप्लीट हो चुका है, अब हाफ साइड में ब्रश से करेंगे। और इस तरह से देखिए जो कंसीलर पैलेट है इसमें से ये वाला शेड मैं यूज़ करूँगी जो कि मेरे स्किन टोन का है। तो इसको भी हम थोड़ा सा पहले मिक्सिंग प्लेट में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद फेस पे ब्रश से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी क्वांटिटी में बस ये थोड़ा सा कंसीलर लिया है और इसे मिक्स करेंगे और फेस पे अप्लाई करेंगे। ये PAC का 006 नंबर है और ये फाउंडेशन ब्रश है। तो इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। आईलिड पे भी इस तरह से बेस हमारा कंप्लीट है। अभी हम ब्लशर अप्लाई करेंगे, तो इसमें से ये जो डार्क कलर है ये दोनों ब्लशर मिक्स करेंगे और कंसीलर ब्रश से ही ब्लशर अप्लाई करेंगे। दोनों साइड ब्रश से ही अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ये कंसीलर ब्रश है जिसे मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। अभी कंसीलर और बेस कंप्लीट हो जाने के बाद ब्लशर भी हो गया है, अब हम उसे पाउडर से सेट करेंगे, क्योंकि कोई भी लिक्विड या इस तरह से क्रीम बेस प्रोडक्ट लगा के उसे हमें पाउडर से सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिसके लिए मैंने ये के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है, आप चाहें अगर तो कॉम्पैक्ट पाउडर से भी उसे सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी डस्की स्किन है तो बनाना पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। मैंने पाउडर की भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया है किस स्किन टाइप पे या कब कौन सा मेकअप करते हैं तो कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं। तो अभी इस तरह से पाउडर को इस तरह मैंने ये पिज़्ज़ा पफ है उसमें लेंगे और हल्का सा ब्लेंड करेंगे, अंडर आई के नीचे अप्लाई करेंगे, लाफ टाइम पे
और हल्का हल्का इस तरह से पाउडर से सेट कर देंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से सेट रहे। आप चाहें तो इस पे कॉन्टूर भी कर सकते हैं, बट उतना मुझे नीड नहीं है। आप देख सकते हैं एक तरफ थोड़ा ये मैट लुक हो गया है और इधर अभी थोड़ा शाइन कर रहा है, और इसे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ब्रश से अप्लाई करेंगे। ये PSC का ब्रश है, इसका नंबर है 25245। इस तरह से अंडर आई से स्टार्ट करेंगे, लाफ लाइन पे लगाएंगे और पूरे फेस पे हल्का हल्का इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे। ये पाउडर ब्रश है और बहुत ही अच्छा पाउडर ब्रश है। तो आपने देखा, एक तरफ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर और पिज्ज़ा पफ से बेस बनाया और दूसरी तरफ ब्रश से यूज़ किया। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ब्रश से कैसे करते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे करते हैं। बस हमें हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए कि हम किस तरह से मेकअप कर रहे हैं। अभी से हम हल्का हल्का इस हटा देंगे जो भी एक्स्ट्रा है, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा मैंने किस तरह से बेस बनाया। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इधर आपको ब्यूटी ब्लेंडर से दिखाया और दूसरी तरफ ब्रश से दिखाया, और दोनों ही तरफ मैंने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज किए हैं। आपने देखा किस तरह से मेकअप बेस कंप्लीट होता है। बेस बनाने के बाद मैंने आई मेकअप किया हुआ है और बहुत ही हल्का सा आई मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक ब्लशर और हाइलाइटर लगाया। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेस की नॉलेज दी है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको धीरे धीरे ही प्रोडक्ट नॉलेज जैसे दिया वैसे आपको धीरे धीरे मेकअप की नॉलेज दूँ। जैसे मैं अपने पार्लर में अपने बच्चों को बताती हूँ, उसी तरह मैं चाहती हूँ मैं आपको भी बताऊँ। पहले हम जो हमारी सिंपल चीज़ें हैं पहले उसको समझ लेंगे, तो आगे हम चीज़ें बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो बेस मेकअप एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बेस मेकअप एक जैसा ही होता है, चाहे हम पार्टी मेकअप करें, चाहे हेल्दी लुक करें, या फिर उसके बाद मेहंदी का लुक करें, या ब्राइडल मेकअप करें, तो ज्वेलरी और आई मेकअप और ड्रेस के साथ हमारा वो मेकअप भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो बेस होता है, हमें कंसीलर, फाउंडेशन और ब्लशर, और उसके बाद जो हमें पाउडर से सेटिंग करनी होती है, जो हमारा बेस होता है, वो लगभग सब में एक जैसा होता है। बस आई मेकअप डिफरेंट हो जाता है, उसके बाद हमारी ड्रेस है, हमारी ज्वेलरी है, वे चेंज हो जाती है, तो हमारा मेकअप भी चेंज हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइए। और दोस्तों, आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, पार्लर से लेके कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं उसके ज़रूर आंसर आपको दूंगी। तो बस आज की वीडियो बस यही ख़त्म करती हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।